चलते हैं आपको कोटा, जहां पर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। रंगपुर के उस रोड का कार्यक्रम कराएगा और यहां से वहां तक नावें और बोटिंग का काम भी शुरू होगा ताकि बहुत भव्य पर्यटन स्थल ये डेवलप हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे से कुछ समय में जुड़ने वाले हैं, कुछ समस्याएं मेरे सामने यहां पर अलग अलग लोगों ने जिक्र की है, मुझे 5 साल में सब समस्याओं को पता है, आप चिंता मत करो, कई बार समय का इंतजार करना पड़ता है। केशव पाटन का शहर का विकास हो, कापरिन का विकास हो, लाखेरी का विकास हो, पिछली बार कापरिन के लोगों ने कहा हमारे यहाँ क्या होगा, हमने कहा आपके यहाँ 4.5 करोड़ का खेल मैदान स्वीकृत कर दिया है, कल पत्र जारी हो जाएगा, केशव पाटन में भी खेल मैदान बनाना है। आप देखो देश में कोटा बूंदी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां पर एक विधानसभा के अंदर दो दो स्पोर्ट्स केंद्र बन रहे हैं, कई नहीं बन रहे देश के अंदर। कापरेन में लाखेरी, मुझे याद है पिछली बार हमारी सरकार थी में एक बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र में पूरे 5 साल लगा, लेकिन एक नहीं बना। आप केसा है पाटन कापरेन बना, लाखेरी बना, बूंदी बना, राम मंडी बना, सांगोद बना, कोई विधानसभा नहीं जहां पर नहीं बना। और जितने भी हमारे धार्मिक पर्यटन स्थित है, मथुराजी जी का मंदिर हो, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, आने वाले समय के अंदर आप बूंदी को देखोगे तो बूंदी आपको लगेगा कि बूंदी कितनी बदल गई है। बूंदी में 70 साल तक जिन चीजों का लोग इंतजार कर रहे थे वो 70 कितना अच्छा, केशव पाटन भगवान के मंदिर को बना हुआ जमुना लाल जी बता रहे 400 साल होंगे, कितने 400 साल। अगर 400 साल बाद इस सरकार की आजादी के बाद ये स्थान का डेवलप हुआ तो ये विजन प्रधानमंत्री जी का है नहीं है, बताओ। पहले भी सरकारें थी डेवलप हो जाता, मैं यहाँ केशव पाटन में आता था तो यहाँ की सीढ़ियां देखता कभी लगता है डर गिर जाए आदमी जब वहां कार्यक्रम होता, और यहाँ का दृश्य इतना मुझे अद्भुत लगता है कि यहाँ पर जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता लोग सीढ़ी में देखते तो उसको दृश्य को जब बाहर के लोग कहते थे ऐसा स्थान आपके यहाँ पर है क्या, आप निश्चित हो इसको इतनी भव्यता बनाएंगे, ये पहला चरण है। पैसे और धन का कोई अभाव नहीं आने देंगे, लेकिन फालतू धन भी अपव्यय नहीं करेंगे, जो आवश्यकता होगी उसका करेंगे, धार्मिक हमारी आस्था बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, ये हमारा सबसे पहले मूल सिद्धांत होगा, क्योंकि धार्मिक स्थल के अंदर पवित्रता रहना सबसे मूल है। यहां पर सब मंदिर है, उसकी पवित्रता को रखते हुए पंचमुखी की यात्रा कैसे हो सकती है उसकी योजना बनाएंगे, और निश्चित रूप से जो जो भी काम बाकी हैं उन सारे कामों को कराएंगे। आप सबको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी अब कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, आप देख रहे हो कहीं कश्मीर के अंदर जो कश्मीर क्या लगाते हैं नारा, क्या लगाते हैं नारा, जा हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा, सालों तक जनसंघ के लोग नारे लगाते रहे और 370 अटी आज कश्मीर भारत का अंग बन चुका है, और ये भी हमें मौका मिला कि मेरे बोलते हुए 370 हटाए गए, वो क्षण भी मुझे मिलना था, 3 तलाक मुझे मिलना था, राम मंदिर का क्षण मिलना था, ये भी भगवान की कृपा है कि अंग्रेजों के कानून समाप्त करने का बिल भी इसी बार में हुआ है। ये कालखंड में मैं ऐसे ऐसे विधेयक बताऊंगा जो आपको जानकारी नहीं होगी, जिससे आने वाले समय के अंदर बदलाव होगा। मैं कभी सोचता था कि अंग्रेजों के कानून को लेकर हम कब तक चलेंगे, मैं कई बार डिबेट करता था, तो मुझे एक बड़े अधिकारी ने कहा इस देश के अंदर लोकतंत्र और आजादी जब कहलाएगी जब हम पुराने कानूनों को अंग्रेजों को समाप्त कर देंगे, तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे एक नेता ने एक बात की थी आज वो बात पूरी हो रही है कि अंग्रेजों के कानून समाप्त हो रहे हैं, भारत की संसद, भारत के लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में भारत के लोगों ने अपनी